देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपको बता दें कि गर्मी से 11 लोगों की मौत तक हो गई है। दिल्ली में दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इतना ही नहीं बल्कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गर्मी को देखते हुए दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन लेवल भी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए मेट्रोलॉजिस्ट एंड फिजिशियंस ने लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने का सुझाव दिया है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली समेत NCR में एक बार फिर से समर हीट ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। गर्म हवा और पसीने छुड़ाने वाले टेम्परेचर की वजह से लोगों ने दोपहर के समय घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि दिन का मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए लगातार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा IMD ने हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 18 अप्रैल को टेम्परेचर में कमी के आसार नहीं है और बादल छाने के बावजूद टेम्परेचर में बढ़ोतरी की आशंका है। 19 और 20 अप्रैल को बूंदाबूंदी भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हीट वेव के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले आप बाहर धूप में जाने से बचें, बच्चों को धूप में बाहर ना खेलने दें, सॉफ्ट और कार्बोनेटेड ड्रिंक से बचें, बासी खाने से बचें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, गीले कपड़े से खुद को ठंडा रखें। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच प्रॉपर पानी पीना जरूरी होता है। आप जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार पानी पीजिए। हल्के रंग के ढीले कॉटन कपड़े पहने। धूप में बाहर जाते समय चश्मे, छाता या टोपी का इस्तेमाल करें। वहीं अगर डाइट की बात करें तो आप रोज खीरा खाएं। खीरा का सेवन गर्मी के दिनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये काफी फायदेमंद भी माना जाता है। नींबू पानी का सेवन करें। गर्मी आते ही शरीर में पानी की कमी होने लगती है। बेल का शरबत, गर्मियों में खास तौर से लोगों को बेल का शरबत जरूर पीना चाहिए। आम पन्ना भी काफी फायदेमंद होता है। आप तरबूज का सेवन भी कर सकते हैं।